हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड का स्टेटस देख सकते हैं लेकिन और उसको बताना नहीं चाहते हैं कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। कि आप लोग ऐसा ट्रिक चाहते हैं कि आप लोग उसका स्टेटस देख ले और उनको पता भी नहीं चले कि आपने उसका स्टेटस देख लिया, या फिर किसी भी फ्रेंड का स्टेटस देख कर उसको पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप अगर यूज करते हैं उस ट्रिक को, तो आप किसी भी फ्रेंड का हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का स्टेटस देख लेते हैं तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। और फुल प्रूफ के साथ आपको करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे उस ट्रिक को आजमाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक स्टेटस मैंने लगाया है और एक ही कॉन्टैक्ट मेरा यहाँ पे, एक ही कॉन्टैक्ट जो है आप देख सकते हैं, एक ही व्यू आया है मेरा स्टेटस में। अब मैं आपको उस ट्रिक को आजमा कर दिखाऊंगा और उसमें स्टेटस देखकर भी दिखाऊंगा कि उसमें सीन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है और सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉर्नर में ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पर जाना है, उसके बाद अकाउंट्स पर जाना है, उसके बाद प्राइवेसी पर जाना है। और प्राइवेसी में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और एक ऑप्शन आएगा रीड रिसिप्ट्स। इस ऑप्शन सबका ही इनेबल रहता है, सबका ऑन रहता है सबके ही फ़ोन पर, तो इसको कर देना है आपको ऑफ। और ऑफ करने के बाद आप जिसका भी स्टेटस देखेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। फिलहाल मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि मैंने आपको दूसरा मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसका स्टेटस यहां पर देखिए, 2 मिनट पहले ही मैंने लगाया है। इसको मैं यहाँ पर सीन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ये स्टेटस मैंने देख लिया। अब मैं आपको अपना दूसरा वाला व्हाट्सअप में जाकर दिखाता हूँ कि मैंने वो देखा, यहाँ पर दिखाता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, पहला ही कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। मैंने आपको पहले ही दिखाया कि ये कॉन्टैक्ट जो है मेरा पहला स्टेटस देख चुका है, लेकिन आपको मैंने दिखाया कि वो ट्रिक आजमा कर स्टेटस मैंने देखा, तो दो कॉन्टैक्ट यहाँ पर व्यू दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वही एक ही दिखा रहा है। तो ये देखिए, आपको प्रूफ भी मिल गया कि कैसे यहाँ पर उस ट्रिक को आजमा कर किसी का भी स्टेटस देख सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। मैं फिर से यहाँ पर आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर उस वाले व्हाट्सएप पर जाता हूँ और एक बार स्टेटस देखता हूँ। ये देखिए, मैंने देखा, सॉरी, यहाँ पर ये व्हाट्सएप पर मैं आया और यहाँ पर देखिए मैंने फिर से ये स्टेटस को देख लिया। और फिर से मैं वहाँ पर जाता हूँ तो देखिए पहले वाला ही स्टेटस यहाँ पर, मतलब कॉन्टैक्ट दिखा रहा है कि पहले वाला ही कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिखा है और मेरा जो मैंने अभी कॉन्टैक्ट से देखा वो कॉन्टैक्ट शो नहीं कर रहा है। ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है और आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है काफ़ी टाइम पर, तो ये ट्रिक को ज़रूर आजमाइए। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, इसको आप आजमा कर किसी का भी स्टेटस देख सकते हैं और उनको कानो कान भी खबर नहीं होगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले इस ट्रिक के बारे में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।